नमस्ते जैन, कैसा आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़्यादा बजवर्ड है। पिछले एक डेढ़ साल से तो ऐसा हो रहा है कि हर कोई एआई एआई चिल्ला रहा है। वॉशिंग मशीन बन रही है, वो भी एआई वाली। माइक्रोवेव आ रही है एआई वाली। फ्रिज आ रहा है एआई वाला। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप देख ही लो, जेमिनी, चैट जीपीटी। इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आ गया। बहुत सारे ऐप्स भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, फोटो एडिटिंग वाले आ गए, फोटो क्रिएशन वाले आ गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। AI इतना हो गया। इसके अलावा सैमसंग ने अपना AI निकाल दिया कि भाई वो सैमसंग AI यूज़ करो। अभी एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो एक अलग तरीके का AI है। इसके अलावा NVIDIA जैसी कंपनीज जिनके जो चिप मेकिंग करते हैं, जो कि AI को सपोर्ट करते हैं, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। AI हर जगह हो रहा है। एंड लोगों को एक बहुत बड़ी टेंशन ये है कि भाई AI हमारी नौकरी खा जाएगा। देखिए क्या है, AI के ऊपर मैंने आई गेस 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, बट वो बहुत इनिशियल स्टेज वाला वीडियो था। उस समय पे चैट GPT वगैरह था नहीं। आज की डेट में मैं चैट GPT प्लस यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैंने गूगल का जेमिनी यूज़ किया है। फिर उसके बाद बहुत सारे मैंने फोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप्स वगैरह भी यूज़ करी हैं। इन सब में क्या है, देखिए AI ऐप्स जो है ना, हो तो गई हैं बहुत सारी, बट द थिंग इज़ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट GPT प्लस ले रहे हो या जेमिनी एडवांस ले रहे हो, तो आपको देखना होगा कौन सी आपके काम में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। एंड इन सब का जो यूसेज है ना, वो बहुत अच्छा है एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट्री यूसेज ये आपको दे सकता है। बट आपको बस ये यूज़ करना आना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा। मैं आपको बताऊँ, AI जो है हर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। अभी जैसे रिसेंटली आ रहा था कि एक लीगल फर्म में जो टाइपिस्ट होता है, जिसका काम होता है कि नोटिस टाइप करना है, कुछ भी है, उसकी नौकरियां जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सब AI से टाइप करवा रहे हैं। चैट GPT को बोल रहे हैं ये टाइप कर दो नोटिस, ये है वो है वो सब है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब कोई कंपनी है जिसको रोज़ ग्राफिक्स बनवाने हैं, रोज़ फ़ोटोज़ बनवानी है, रोज़ कोलाजेस बनवाने हैं, रोज़ बड़े बड़े इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाने हैं, ताकि अपना सोशल मीडिया एंगेजमेंट अच्छी तरीके से चल सके उनका, या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, या फिर मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, या कुछ भी है, या वेबसाइट्स पर डालने के लिए। तो आप एक चीज़ बताइए, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करेंगे, मान लीजिए 1,00,000 रुपये महीना भी अगर वो उसको दे रहे हैं, वो 9 घंटा काम करेगा आपका, रोज़ 9 घंटा काम करेगा, एंड 5 days a week उसकी नौकरी है। तो वो काम तो कर रहा है, बट एक एक ग्राफिक को बनाने में ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और वो भी उस इंसान को जो कि एक्सपर्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो, या आप एक ऐसे लेवल पर हो जो शुरुआत वाले लेवल पर, जिसने 2-3 साल पहले ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी, आपको 3-3 घंटे लग जाएंगे एक ग्राफिक को वो करने में, बनाने में, एक फ़ोटो को बनाने में, या एक इन्फोग्राफिक को बनाने में 3-3 घंटे भी लग सकते हैं। वहीं अगर चैट GPT प्लस आप यूज़ करो, आप उसको बताओ मेरे को ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये है वो है, वो विदिन सेकंड्स आपका वो चीज़ बना देगा। एंड आप उसको 1,00,000 रुपये की सैलरी दे रहे हो, एंड आप चैट GPT प्लस 2,000 रुपये में ले सकते हो पर मंथ। तो क्या चीज़ किसी कंपनी के लिए सही रही? कंपनी तो ये कहेगी कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों रखूँ, मैं तो चैट GPT प्लस यूज़ करूँगा। बट सबसे बड़ी बात अब क्या आती है कि हमें एक ऐसा इंसान भी चाहिए जो चैट GPT प्लस अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। तो एक इंसान वो ऐसा रखेंगे, या हो सकता है 4-5 लोगों की टीम रखेंगे कि भाई तुम चैट GPT पे बनाओ, तुम जेमिनी पे बनाओ, तुम एप्पल इंटेलिजेंस पे बनाओ। अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग वो रख लिया आपने इंसान, या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपने कहा कि भाई तुम लोग जो है, तुम लोग प्रॉम्प्ट्स डालो एंड AI से जनरेट करके ग्राफिक्स वगैरह बनाओ। अब यहाँ पे नौकरी किसकी गई? जो एक नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर है। बट अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा है जिसको AI आता है, या जिसको AI से ग्राफिक्स बनाने आते हैं, उसकी नौकरी रहेगी यहाँ पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड में AI कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। अब जैसे मैंने लीगल फर्म का एग्जांपल आपको दिया, मान लीजिए कोई टाइपिस्ट ऐसा है जिसको AI भी आता है, जो कहे कि भाई मैं टाइपिंग तो कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं जो है, मैं बहुत अच्छी तरीके से नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ यूजिंग AI, तो ऑब्वियसली बात है उसकी नौकरी नहीं जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि AI आपकी नौकरी तो लेके जाएगा, बट AI उसकी नौकरी लेके जाएगा जिसको AI नहीं पता है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो जिसको AI पता है, या आप एक टाइपिस्ट हो जिसको AI पता है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। बट अगर आपको AI नहीं पता है, तो आपकी नौकरी पक्का जाएगी। यानी ये तो दो इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल थे, आपको ये चीज़ हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई करनी है। अगर आप एक CA हो, आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कोई बंदा चाहिए, या कुछ भी है, वो आप चैट GPT पे कर सकते हो। बट आपको फिर एक ऐसा इंसान भी चाहिए जो AI यूज़ करके ये सारे जर्नल्स वगैरह बना दे, जिसको चैट GPT या फिर जेमिनी वगैरह, या फिर AI ऐप्स वगैरह यूज़ करना आता हो। तो इसलिए अगर आप एक एम्प्लॉई हो, तो ध्यान रखो जितना हो सके AI को इंटीग्रेट करो, जितना हो सके अपने काम में AI को डालो। AI इज़ समथिंग विच विल कॉम्प्लीमेंट योर वर्क।
इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कम्पीटिंग विद योर वर्क, इट इज़ समथिंग विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग योर वर्क. तो आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह लो. जैसे इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कार एंड पेट्रोल हो गया या कुछ है, वैसे ही आपको AI को जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह ही लेना चाहिए. AI इज समथिंग विच शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी. आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए AI यूज़ होना चाहिए. आपका ये होना चाहिए, आपके बॉस ने आपको चार काम दिए, वो चार काम के लिए बॉस ने आपको कहा कि ये काम दो घंटे में हो जाने चाहिए, आपने AI यूज़ करके उस काम को एक घंटे में कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. इसमें AI आपकी नौकरी नहीं ले रहा है, बट आप AI को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो. एंड जब अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो अपने आप आपकी नौकरी बिल्कुल सिक्योर रहेगी, आपकी नौकरी में कोई अड़चन नहीं आएगी. देखिए क्या है, 1980s में जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे सरकारी बैंक्स में स्ट्राइक हो गई थी कि भाई कंप्यूटर्स आएंगे तो हम रजिस्टर में क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है, हम लोग की नौकरियाँ जाएंगी, कंप्यूटर्स तो सारे काम कर देंगे, ये है वो है. क्या कंप्यूटर्स नौकरियाँ लेके गई? नहीं लेके गई. इनफैक्ट कंप्यूटर्स ने और नई नौकरियाँ निकाल दी. जावा की नौकरी है, C++ की नौकरी है, इसके अलावा जो एनालिस्ट है उसकी नौकरी है, सब तरीके की नौकरियां हैं एंड सब तरीके के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हर तरीके के लोग हैं. नौकरियां बदल गई, जो कंप्यूटर्स को अडेप्ट कर गया उसकी नौकरी रही, जो नहीं कर गया उसकी नौकरियां चली गई. ऐसी जो है AI है, AI भी जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को कॉम्प्लीमेंट ही करेगी. तो इसलिए AI से डरने की ज़रूरत नहीं है. आप कोशिश करिए AI को जितना हो सके इंटीग्रेट करें अपने काम में. ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव यही था. बहुत सारे लोग अभी भी इस डर में जी रहे हैं कि AI आ गया तो पता नहीं क्या होगा, AI से तो ये हो जाएगा, AI से तो वो हो जाएगा. देखिए आज की जो दुनिया है ना वो ऐसी है कि आपको रोज़ अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 40-45 साल के लोग भी दोबारा MBA करने जा रहे हैं या कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें रेगुलरली जो है अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है, अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. आज की डेट में AI है, 10 साल बाद हो सकता है कोई और नई चीज़ आ जाए, हो सकता है कोई और एडवांस वर्जन ऑफ AI आ जाए जिसमें मतलब, या फिर रोबोटिक्स कोई इतने एडवांस स्टेज पे चली जाए कि जिससे आप कोप अप ना कर पाओ. अब जैसे मैं आपको बताऊँ, आज से 4-5 साल पहले मैं e-commerce पे फैशन ज्वेलरी एंड लेडीज़ क्लोथिंग वगैरह सेल करता था. तो उसके लिए हमें कभी कभी ना मॉडल शूट करवाना पड़ता था एंड वो मॉडल शूट जो है 6-7 घंटे लंबा चलता था. एंड उसमें जो है आप एक स्टूडियो में हो, स्टूडियो वाला है वो आपसे चार्जेस लेता है, सब कुछ है. फिर आप एक मॉडल सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप उसको कपड़े पहना रहे हो या फिर आप अपनी जो फैशन ज्वेलरी वो दे रहे हो या फिर जो आपके एक्सेसरीज आप बेच रहे हो वो दे रहे हो, फिर उसकी फोटोग्राफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर वो एक एक के अलग अलग एंगल्स लेना, फिर उसके बाद वो फ़ोटोज़ बनी है, उसके बाद उन फोटोज़ की एडिटिंग के लिए चाहिए 5-10 दिन जो एडिटर है उसको. तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था. एंड अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स है ना तो 100 प्रोडक्ट्स में कम से कम एक महीना लग जाता था उन सबकी फोटोग्राफी फ़ोटोशूट वगैरह होने में. आज की डेट में क्या है कि अगर आप AI यूज़ कर रहे हो आप यही काम जो है विद इन वन डे कर सकते हो. एक ही दिन के अंदर आप उन 100 प्रोडक्ट्स को जो है अलग अलग, और बल्कि उसमें भी चॉइस होगी आपके पास कि आप चाहो तो 10 तरीके के मॉडल्स के ऊपर वो पर्टिकुलर चीज़ करके फोटोग्राफी करवा सकते हो, या फिर आपके आप उसमें जो है बहुत सारे एंगल्स वगैरह ले सकते हो. बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर दो वो बिल्कुल स्टूडियो लेवल की फ़ोटोग्राफी के 10 या 15 सैंपल्स आपको दे देगा. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. अब ऐसे में अगर कोई स्टूडियो चला रहा है तो वो तो कहेगा यार मेरी तो नौकरी गई, जो मॉडल होगी वो कहेगी मेरी नौकरी गई, जो फोटोग्राफर होगा वो भी कहेगा मेरी नौकरी गई. बट अगर आप इन सब में AI किसी तरीके से इंटीग्रेट कर दो तो नौकरियां उतनी नहीं जाएंगी. तो ऐसे ही आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उसमें AI आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. जितना जल्दी कर लोगे उतना ज़्यादा आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी. आपका AI के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना. आप कौन सा AI टूल यूज़ करते हो, कौन से काम के लिए यूज़ करते हो, आप किस इंडस्ट्री में, आपने AI का क्या चीज़ सीखी है, आप चाहो तो वो भी मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू कि आप लोग AI को किस तरीके से अपने काम को एनहेंस करने में यूज़ कर रहे हो. प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर शेयर करना. लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.